कल हम लोग छह मिलकर आरसी मुखर्जी का बना चुके थे। सातवां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10^21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। तो चलते हैं देखते हैं जरा इसे। यही क्वेश्चन है। तो इसमें मास कितना है 200 मिलीग्राम, ये हो जाएगा 200 × 10^-3 ग्राम के, और m यानी मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा 12 + 2 = 16 ग्राम/मोल, ये हो गया 44 ग्राम/मोल। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m/F यानी कि 200 × 10^-3/44 इतना मोल। ठीक है, m इज इक्वल टू 10^21 मॉलिक्यूल्स है लेफ्ट रिमूव, रिमूव किए जा रहे हैं। एम नॉट हो जाएगा 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो n यानी कि रिमूव्ड नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा 10^21/6.022 × 10^23 मोल। ठीक है, तो m लेफ्ट बचा हुआ कितना हो जाएगा m टोटल माइनस m रिमूव्ड, और ये कितना के बराबर हो जाएगा 200 × 10^-3/44 − 10^21/6.022 × 10^23। इसको ठीक करें तो 2 × 2 × 10^24 − 10/6022 इतना बचा। अब देख लीजिए इसको हो रहा है, तो 0.2/44 है, divided by 44
0.0045 ये आंसर हो गया, यही आंसर है। तो देख लिए आप लोग इसको किस तरह से हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या क्या निकाले हैं यहाँ पर, ये गिवन मास है या मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया, रिमूव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना, एवोगाड्रोस नंबर यानी कि मोलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो आपको इतना हो गया, ठीक है। तो रिमूव नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, निकाल दिए। फिर जो लेफ्ट बच रहा है उसको किया, हो गया। तो ये सवाल आपने देखा कैसा है। अब फिर हम लोग अगले सवाल पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम
क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बढ़िया और रोचक है। गैस का वॉल्यूम क्या होगा एनटीपी पर, ठीक है? तो देखेंगे हम लोग इस सॉल्यूशन को देने जा रहे हैं। गिवन मास है 20 ग्राम हाइड्रोजन के केस में मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल,
इज इक्वल टू वी नॉट मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर पर मोल एट एसटीपी होता है, एट एमटीपी एसटीपी होता है, ले लीजिए तो वी इज इक्वल टू व्हाट फॉर्मूला से बनाते हैं एल इज इक्वल टू वी बाई वी नॉट एंड एन इज इक्वल टू एम बाई कैपिटल एम तो एल एच एस बराबर हो गया तो आर एच एस बराबर हो जाएगा एम बाई कैपिटल एम इज इक्वल टू वी बाई वी नॉट तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू एम बाई कैपिटल एम इन टू वी नॉट और ये हो जाएगा 20/2 इंटू 22.4 ये हो जाएगा लीटर हो गया ये हो जाएगा 112 लीटर यही हो गया देख लीजिए गीगन मास आपको दिया हुआ है 20 ग्राम मोलर मास दिया हुआ है मोलर वॉल्यूम जानते हैं इतना तो भी पूछ रहा है फॉर्मूला ये दोनों आप जानते हैं एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर हो गया तो भी इज इक्वल टू कुछ नहीं करना है सीधा वैल्यू पुट कर देना है हो गया सॉल्यूशन देखें हम लोग इसका मोलर वॉल्यूम ये
एट एनटीपी तो इतना होता है हम जानते हैं, तो भी पूछ रहा है कि कितना होगा फॉर्मूला एम लोग अप्लाई करेंगे तो एम बाई एन नॉट इजिकल टू भी बाई भी नॉट हो जाएगा, तो भी इजिकल टू ये फॉर्मूला हो गया, वैल्यू सबका पुट करेंगे तो 22.4 लीटर आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए इसी
5.6 लीटर और तो यहां गिवन वॉल्यूम वो है 5.6 लीटर। तो फर्स्ट केस में घी नॉट इज इक्वल टू वो हो जाएगा कितना 22.4 लीटर पर मोल। एम नॉट हो जाएगा 6.022 इंटू 10^23 एटम्स पर मोल। तो एम इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला फिर वही हमारा लगेगा एम इज इक्वल टू तो इसको देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ मोनोटोनिक गैस एंड डायटोनिक गैस आइडेंटिटी। तो 5.6 लीटर आपको दे दिए हुए हैं वॉल्यूम, इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। दो केस है, यदि गैस मोनोटोनिक रहता और यदि गैस डायटोनिक होता। तो ध्यान से देखिए गिवन वॉल्यूम 5.6 लीटर, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर पर मोल एट एमटीपी, ये तो होता है ना। मोलर नंबर ये हो जाएगा 6.022 इनटू 10^23 एटम्स पर मोल। तो ये आस्क नंबर, क्या नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक गैस है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा गैसेस मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम हो, वैसे कैसे लिखा जाएगा।
फॉर्मूला हम जानते हैं n इक्वल टू v बाय v नॉट, n n इक्वल टू n बाय n नॉट, तो v बाय v नॉट इक्वल टू n बाय n नॉट हुआ, तो n इक्वल टू n नॉट इनटू v बाय v नॉट वैल्यू पुट करेंगे, इतना एटम्स आ जाएगा। सेकेंड केस में डायटॉमिक गैस है, यानी कि उस केस में मॉलिक्यूल हम ले लेंगे और एक मॉलिक्यूल में दो एटम, तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। आप यहां भी मॉलिक्यूल ले सकते थे, लेकिन यहां पर जाकर के चुकी एटॉमिसिटी वन, तो यहां पर वन करना होता, यहां पर एटॉमिसिटी टू, तो यहां पर टू हमको कर देना हुआ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बन सकता है कि डिटरमिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, यह यदि हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी मेरे दिमाग में आ रहा है, हम जस्ट उस फॉर्मूला को लिखते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स n इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई वी नॉट इंटू एम नॉट इंटू एटॉमिसिटी। तो जानते ही है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से।
करके देखिए तो 0.001 इनटू 0.1 एक और जीरो आ रहा है ना, तो एक और जीरो आ रहा है, चलते चलते हमने देख लिया।
ठीक है, अब ये सही है।